गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया। और आज है रविवार का दिन, संडे, और आज है 11। तो आज से ही मतलब हमारी दिवाली के मतलब जो हमारे पवित्र शुभ दिन है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम खुशी से सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, तो वो आज से शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। आज है 11 का दिन, तो हम जो दिवाली के दिए करते हैं वो 11 से ही करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बस महादेव का नाम लेकर आज का दिन की शुरुआत करते हैं। तो पहले आप मेरे महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फ्रेंड्स 11 का दिन है, तो आज है वही वो टाइम जो आज हमें निकलना है, इसलिए हमने घर भी पूरा क्लीन कर दिया है, सब कुछ मतलब अच्छे से रख दिया है। किचन भी आप देख सकते हो पीछे क्लीन हो चुका है सब कुछ, तो वो सब कुछ रख दिया है। तो फ्रेंड्स आज है फाइनली हमारी फ्लाइट निकलने के लिए, तो आज हम निकल रहे हैं कहाँ जाने के लिए, तो आप बने रहिए, देखते रहिए, बस कुछ ही घंटे हैं अब तो आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो 11 है जनक गहनाने के लिए, वो आते हैं उसके बाद मिलते हैं और फिर बातचीत करते हैं। सुबह जल्दी भी उठ चुके थे, सब कुछ बैग सब पैक कर लिया, सुबह सब कुछ जैसे रख दिया है और 11 है इसलिए देखिए मैंने दिए भी कर लिए हैं फ्रेंड्स। पर यहाँ पर है ना, ये देखिए जो हम उम्र पर दिए करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो मैंने कर लिए हैं। पर यहाँ पे दरवाजे खोल नहीं सकते क्योंकि इतनी नहीं खोल सकते, पर इतनी ठंड है ना बाहर कि मैं पूरा खोल ही नहीं सकते दरवाजे, इतना ठंडा हो जाएगा ना घर 2 मिनट के अंदर, तो बहुत ही ठंड है बाहर, इसीलिए मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा दिए रखे हैं, इसे थोड़ा सा ओपन रखा है। तो बस आज तो मैंने तुलसी माता को भी मस्त मतलब फूल इतने सारे आए हुए हैं ना, शायद आपको यहाँ से भी दिखेंगे गुलगुटा, तो देखिए पीछे, तो वो सब कुछ हम अभी घर पे अंदर अंदर रख देंगे, वो सब कुछ मैं अंदर ही रख के जाऊंगी। गलगोटा है, बारमासी है, तुलसी माता है, सबको घर पे यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप देख ही सकते हो मेरे फेस पे धूप आ रही है ना, तो वो इसीलिए यहाँ पे धूप आती है तो यहाँ पे रख देंगे हमारे मनी प्लांट के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं बाद में, बने रहिएगा और ब्लॉग है ना एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आफ्टरनून हो चुका है और हमारा लंच भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, लंच सब कुछ। तो सुबह उठ के आया तो सब कुछ पहले वो ठीक से रखा, हमारा जो वेट वो सब करना था वो सब किया, और आज 11 है तो दिए के साथ रंगोली भी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों हमारे घर के, हमारे मंदिर की, हमारी इस दिवाली की पहली रंगोली, मंदिर की भी रंगोली हो चुकी है और बाहर भी हमारा श्री गणेश हो चुका है मस्त अच्छे से, गणेश का तिलक कर लिया है हमने उम्र के ऊपर, तो जैसे हम मानते ही हैं उम्र की तो हम पूजा करते हैं, तो बस शुरुआत वहीं से ही होती है, तो वहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। और देखिए सारी चर्फ जो फोल्डिंग है ना हमने ऐसे ही रख दी ताकि गंदा भी ना हो, धूल मिट्टी कुछ लगे भी ना, तो ऐसे भी वो सब होता नहीं है पर थोड़ी बहुत तो डस्ट आती है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही रख दिया है पूरा क्लीन। और बस सब कुछ पीछे हो चुका है, तो ऑलमोस्ट अभी थोड़ी ही देर में हम निकलने की तैयारी में है। जनक बैग सब कार में रख रहे हैं क्योंकि सब उठाकर नीचे लेकर जाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, जनक कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वेट ज़्यादा होता है हर चीज़ का, तो इसीलिए कार यहाँ पर ही ले आए हैं पीछे ही, ये जो दिख रही है ना वही है, तो कार ले आए ताकि डायरेक्ट ही रख दे, तो सिर्फ फिर हमें तैयार होकर निकलने के टाइम सब जफा ना करनी पड़े, इसीलिए पहले से रख देते हैं ताकि फिर तैयार होकर डायरेक्ट निकल ही जाएंगे हम। तो फ्रेंड्स फाइनली वो टाइम आ गया कि घर से निकल चुकी है पूजन की सवारी उड़ान लेने के लिए, और बस बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारी खुशी है, बहुत सारी क्या है बहुत भावनाएं अंदर से जाग रही है सब, और बहुत सारा सोचा है, तो बस वो सब करके आए और बस हमारी फ्लाइट अच्छी रहे, मस्त अच्छे से पहुँचे, अच्छे से मस्त मज़ा करके आए, खुशियाँ मना कर आए और वही खुशियों से वापस घर आए, और बस महादेव जी है यहाँ पर हमारे घर संभालने के लिए,
वो तो हमेशा हमारे साथ है ही हर जगह पर। तो बस थोड़ा घर जब ऐसे छोड़ के आना होता है कहीं पे भी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहीं से भी आप जाओ कहीं पे भी, पर थोड़ा सा वो हो जाता है ना दिल, तो बस थोड़ा सा ऐसा हो गया। पर तो बस चलिए चलते हैं बस अच्छे से खुशियाँ मनाने के लिए, अच्छे से दिन का स्वागत करने के लिए। बने रहिए हमारे बस बने रहिए फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा अच्छा सब, हाँ बहुत अच्छा सब दिखने मिलेगा। और आप लोगों की भी आशा रखती हूँ मैं कि आप लोगों की भी काफी इच्छाएं पूरी होगी सिर्फ देखकर ही। तो बस सरप्राइज बता सकते थे, पर एक्चुअली ये सरप्राइज है ना, सरप्राइज रखना जरूरी है, सरप्राइज के लिए, हाँ सरप्राइज सरप्राइज के लिए है, इसीलिए हमें रखना जरूरी है। तो बस थोड़ा बहुत चल रहा है ऐसा, तो क्या है कभी कभी घूमना जरूरी हो जाता है, यू नो जॉब से थोड़ा छुट्टी लेकर थोड़ा सा ऐसे फैमिली टाइम, राइट, जरूरी है। और दिवाली है तो फिर क्यों नहीं। और बाय द वे यस, नेल पॉलिश हो चुकी है येल्लो वाली, मस्त येल्लो करके निकले हैं। और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरने के लिए, बस फ्लाइट टाइम से निकले और हम टाइम से पहुंचे तो मजा आ जाए। तो ये देखिए पिंकी क्लोज कर लिया है फ्रेंड्स। और आप लोगों को मेरी रंगोली कैसी लगी वो भी बताइए, मस्त रंगोली की है दिवाली की। चले चलते हैं, ठंड बहुत है इसलिए पहन लिया है हम लोगों ने, वो तो अभी उसका काम करेगा ही। सूरत दादा सिर्फ फोकस मारते हैं पर ठंड के सामने अभी कुछ नहीं चलता वैसा है। फ्रेंड्स आज का व्यू देख लीजिए बाहर का, कुछ इस तरीके से मस्त खुशनुमा एटमॉस्फेयर है बाहर। और फिर कल से तो आपको कुछ और ही देखना है, इसलिए आज का एटमॉस्फेयर आप देख लीजिए। ये हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर, और ये है यहाँ का हमारा एयरपोर्ट जो हमें लगता है IAD एयरपोर्ट वर्जीनिया में। तो बस चलिए आ गए हैं, चलते हैं टिकट चेक इन की तरफ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रोड पर लिखा ही हुआ है Zone 2, Zone 1, तो उस हिसाब से आपको लैंड रखनी है क्योंकि बाजू वाली जो लाइन है वो Zone 3 और 4 की है। तो आपकी जो फ्लाइट है वो कौन से जोन पर है उस हिसाब से आपको लैंड चूज करके फिर उस साइड पे देखिए अभी सब पार्क ऐसे करके बैग निकाल देंगे। और पुलिस की कार तो यह होती है, चेक इन हो चुका है और हम जा रहे हैं अभी गेट की तरफ। फ्रेंड्स हमारा सिक्योरिटी बोर्डिंग सब कुछ हो चुका है और अब हम जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ। ओ ओ जो जो, तो ये देखिए सवारी निकल चुकी है। फ्रेंड्स चलते हैं गेट की तरफ, और सिक्योरिटी बाकी था तो वो भी हो चुका है। अब चलिए मस्त हमारा खाना भी मैं घर वाला घर से लेकर आया हूँ, तो अभी यहाँ बैठ के मस्त एयरपोर्ट पे खाने में मज़ा आता है ना, तो बस मस्त बैठ के खाएंगे। और फिर अभी टाइम है हमारा फ्लाइट का, है ट्रेन जैसे तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ए के लिए हमें ट्रेन पकड़नी है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये साइड का एरो है ना राइट साइड, तो हम राइट साइड की ट्रेन आएगी तब ट्रेन में जाना है हमें हमारे गेट पर। ये देखिए इनकी एक्साइटमेंट, ओहो कोई बहुत खुश है, यस है ना। चलो तो बस फ्रेंड्स सिक्योरिटी सब कुछ मस्त अच्छे से टाइम पे हो गया हमारा, तो अभी बस चलते हैं, बने रहिए आपको जल्दी से पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। सिक्योरिटी में सब आपको सिर्फ है ना ये बैगेज वो सब में क्या होता है क्या, आपको अगर कुछ क्रीम वो सब भी चाहिए ना तो मेक श्योर के हाँ मिनी पैक में हो वो सब, तो वो हैंड बैग में चला जाता है। अदरवाइज जो आपके जो हाँ तो बड़े बड़े जब पैक होते हैं ना तो उससे बेटर क्या आप उसको बड़ी बैग में ही रखिए, कैरी बैग में सिर्फ छोटी आइटम रखे जो आप यूज़ करना है चाहिए आपको, मतलब प्लेन के आपके ट्रैवल के उसके टाइम पर
कुछ थोड़ा थोड़ा रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब बस हो गया, सब आ रहे हैं और हम चलते हैं हमारे सफर की तरफ। फ्रेंड्स, ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन तो आगे गई है, चलिए तो चलते हैं आगे। एयरपोर्ट के पीछे लगे फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हमारे गेट ए पर। अबे मारवा फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं देखिए गेट ए के, हमारा है ना नंबर 20। कौन सा है हमारा नंबर 20 है, तो हमें 20 हाँ ज़्यादा नहीं चलना है, थोड़ा ही है, नंबर 20 नज़दीक ही है हमारा, तो उसी तरफ हमें चलना है। और ये सारे कंट्रीज के है ना देखिए फ्लैग लगाया हुआ है इधर। पहले रेस्ट रूम में थोड़ा सा हल्का होकर आना ज़रूरी होता है, ये तो फैमिली रेस्ट रूम है, मैं क्यों जाऊँ उसमें। ओके चलिए इसमें जाना है। अगर आप यहाँ पे देखिए अभी हमारा तो काफ़ी टाइम है क्योंकि 7:30 हमारी फ्लाइट्स है ना, तो 20 मिनट्स बिफोर वो लोग चेक इन करेंगे, मतलब एंट्री का गेट, हाँ गेट ओपन होगा। और तब तक बस कुछ नहीं, यहाँ घूम रहे हैं, स्टोर ऐसा कुछ देखते हैं और मिल जाएगा। और अगर देखिए वेटिंग का एरिया होता है, मतलब हर फ्लाइट के हिसाब से, गेट के हिसाब से सबका अलग अलग, तो आपका जो गेट हो वहाँ जाके आपको बैठना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी फ्लाइट आ चुकी है यहाँ पर हमारे गेट पर। हम और ये देखिए हेल्दी ही खाते हैं हम लोग, है ना। फ्लाइट अभी थोड़ी देर में, अभी अभी टाइम है तो तरह तरफ खा लेते हैं और फिर शाम से बैठते हैं, और हम इसी तरफ बैठे क्योंकि मस्त बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो वो अभी ज्वाइन किया है इन लोगों ने वहाँ से, उसी पर से हम प्लेन में से ये बैग मार्ट है। और ये देखिए डोर, ये जो बॉय खड़ा है इधर, हाँ तो बाया था वीडियो को। तो बस यहाँ से मतलब जो नीचे का जो पार्ट होता है ना, बॉटम पार्ट, उसमें बैगेज जाती है सब, उसमें सब बैगेज जाएगा, उसमें नहीं मतलब कार्गो जाए पीछे पाख वाले बायु जगह का, ऐसा होता है फ्रेंड्स। और ये जो है वहाँ से हम वॉक करके फिर अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। अभी फ्लाइट डिपार्ट होने से पहले ये क्रू पूरा चेक कर लेंगे सब कुछ, बैगेज सब कुछ कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी एंट्री होगी उसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी जो ये बैगेज फ्लाइट अभी आई है, तो जो फ्लाइट से जो बैगेज निकालने में आते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से ये क्रू निकाल रहा है, डायरेक्ट मशीन से बाहर आता है और ये लोग डायरेक्ट जो वो डॉली रखी है ना उसके अंदर जाएगा अभी फ्रेट सबका, और फिर वो हमें हमारी जगह पर मिलता है बाहर बैगेज एरिया में, है ना। देखिए हाँ देखिए आ रहा है सब, ये खाना, ये खाने की तो ट्रक आ रही है, इसको पता क्या आ रहा है, शेफ लिखा है। देखिए फ्रेंड्स जो फ्लाइट के अंदर कार्गो जाता है ना, वो कुछ इस तरीके से वो लोग उठाते हैं और ये फ्लाइट में जा रहा है अभी। ये देखिए ये कार्गो है सब, तो सब कुछ फ्लाइट डिपार्ट होने से पहले, मतलब हमें अंदर बिठाने से पहले सारा कार्गो फ्रेट अंदर वो लोग रख देंगे, उसके बाद पैसेंजर को अलाउड करेंगे अंदर जाना, मतलब वन बाई वन। और ये देखिए ऊपर के साइड आप देख सकते हो वो भी खाना सब कुछ जा रहा है अभी, और नीचे के साइड पे कार्गो जा रहा है, तो फ्लाइट को रेडी कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए जा रहा है खाना अभी,
तो इस हिसाब से मतलब एक फ्लाइट के अंदर फ्रेंड्स इतना सब कुछ जाता है, कितने मतलब पाउंड का जाता होगा पता नहीं, पर बहुत सामान होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा फुल ही होता है फ्लाइट, पैसेंजर के साथ खाना से पैसेंजर के बैगेज और कार्गो फ्रेट सब कुछ एक फ्लाइट में होता है। फ्रेंड्स घर से थोड़ा खाना लेके आए थे इसलिए थोड़ा अच्छा है, बहुत क्योंकि दोपहर से कुछ नहीं खाया था तो और अभी ऐसे ही आ गए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यह देखो घर से सेवैया, घर की सेवैया। चलिए बस मज़े करते हैं, अभी बैठ के थोड़ा सा खाना अच्छे से खा लेते हैं ताकि मज़ा आ जाए। राइट, चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देते हैं आज। हाँ थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं है ना। हाँ क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ एडिट करके तुरंत अभी रख देता हूँ ताकि आप लोगों को हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने से पहले आपको मिल जाए, पर हम जो मिलेंगे तब वो आपको नहीं, अभी दूसरा जो ब्लॉग आएगा ना उसमें हम होंगे हमारे डेस्टिनेशन पे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करना, हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही और अच्छा लगेगा, मजे कीजिए। दिवाली आ रही है फ्रेंड्स, मस्त धमाकेदार पटाखे फोड़ ही दीजिए, और नहीं लाए तो ले आइए, हम आप भी फोड़िए हम भी फोड़ेंगे और मजा करेंगे साथ दिवाली का। चलिए कल मिलते हैं वापस, कल मिलते हैं वापस, तब तक एंजॉय, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।